एक बार एक हाथी का मालिक अपने हाथी को पतली सी रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। दूसरे व्यक्ति ने जब देखा कि इतनी बड़े हाथी को इतनी पतली रस्सी से बांध रखा है और ये हाथी मुक्त होने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो उसके मालिक से पूछता है कि ये कैसे संभव है, इतना बड़ा हाथी और इतनी पतली रस्सी से आसानी से बंधा हुआ है, मुक्त होने का प्रयास भी नहीं कर रहा। तो मालिक कहता है कि जब ये हाथी के बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम इनको रस्सी से बांध कर रखते हैं, उस समय ये बहुत प्रयास करते हैं मुक्त होने का, रस्सी को तोड़ने का, और जब इनके निरंतर प्रयास विफल होने लगते हैं तो ये अपने इस रस्सी न टूटने को अपना नसीब मान लेते हैं, क्या सोचते हैं कि अब हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। क्या है, ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं लेकिन फिर ये प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये तो हमारा नसीब है बंध के रहना, उस रस्सी को ही अपना जीवन समझने लगते हैं। उसी प्रकार हम लोग जब हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं तो हम उनसे बाहर नहीं आना चाहते हैं, कुछ नकारात्मक बातें होती हैं उनको अपना नसीब मान लेते हैं, कुछ बुरा घटित हो गया तो हम उनसे निकलना ही नहीं चाहते। कोशिश करेंगे तभी तो हम उससे मुक्त होंगे ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो करो दोबारा से जीतने की।